बच्चे नहीं बनते तो सॉरी, कुछ ना कुछ इधर से भी रद्द अमल आए। रोज जातियाँ हो रही है, वी वांट जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें इंसाफ चाहिए, उसकी इज्जत खत्म कर दी। मुझे अपने आप को मर्द बोलते हुए भी ना पाकिस्तान के अंदर अपने ऊपर बुरा लगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सिर्फ आदमी जिनके साथ फैमिलीज हो वो उनको इजाजत दी जाए कि वो पब्लिक प्लेसेस में आ सके। सबसे ज्यादा वेट होता है टेरिफाइड और फियरफुल, ये बाहर निकलेंगे तो कभी कुछ हो जाएगा। और सबसे पहली बात दिल में आती है कि इंसाफ हो जाए, इंसाफ हो जाए, तब से इस बारे में बात हो रही है। लेकिन आज तक कितने प्रोटेस्ट निकाल ली, रैलीज निकाल ली, आज तक जो इंसाफ एक छोटा सा भी लॉ पास हुआ वो तो आपको पता है, मुझे पता है कुछ भी आज तक इसके खिलाफ उठाने की किसी ने भी सहमत नहीं की, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ना हमारे किसी लॉ ने, ना किसी मैनेजमेंट ने। तो बस निकलते रहेंगे जब तक एक दिन इंशाल्लाह बन जाएगा। अगर 400 में से 100 को मीनारे पाकिस्तान लटका दिया जाए, 100 को कराची में और 100 को इस्लामाबाद में लटका दिया, तो ये सारे मर्द ना जो आज़ाद फिर रहे हैं इनके अंदर से बेसिकली डर खत्म हो गया। जब ये डर वापस आ जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस डर से ये लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती उस डर से ये हरास करना बंद कर देंगे, सीधी सी बात है। तो अगर आप रूल्स का पूछते हैं तो 354A के तहत जिसके जिसमें बेसिकली ये होता है कि दे लाइक स्ट्रिप्ड अ वुमन ऑफ हर क्लोथ्स, उसके अगर देखा जाए तो इनको डेथ पेनल्टी मिल सकती है और लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है। डिस्कस्टेड, दैट्स ऑल आई कैन से एट दिस पॉइंट, आई वाज डिस्कस्टेड बिकॉज़ एट दिस पॉइंट मुझे अपने आप को मर्द बोलते हुए भी ना पाकिस्तान के अंदर अपने ऊपर बुरा लगे, बिकॉज़ ये मर्द नहीं होते। आपके जो पाकिस्तानी मर्द है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ओ हमने लड़की की तरफ नहीं देखा, हमने लड़की को गुरी नहीं कराई, हमें अप्रिशिएट करो, ये बेयर मिनिमम ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपके हर मर्द से। जो जो ये सारे मर्द जो 400 मर्द वहाँ पे थे उनसे मैं पूछना चाहूँगा, तुम घर अपनी माँ अपनी बहनों के पास किस तरह किस नज़र के साथ, ना इज्जत सिखाएगी ना तभी कि जाहिर तरीन कौन, लेकिन कुछ सिखाने वाला कौन है? हम तो सिर्फ बच्चे, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे तक हमारा काम ये आगे तक बात है। हमारे इमरान खान जो है दरख्त लगा रहे हैं अभी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत तमीज़ वगैरह भी सिखा दें आने वाली नस्ल को, हमारी तो यही कोशिश है। कोई लिबास का कोई लेना दें, आपने देखा था शलवार कमीज़ हमारी ट्रेडिशनल है, वो शलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हुई थी उसको लेकर उसकी शलवार कमीज़ तो फाड़ दी, उसकी इज्जत खत्म कर दी। कौन औरत ऐसा चाहिए कि ये जानबूझ के मेरे साथ हो? और मैं एक कह रहे थे ना क्लाउड एक फेमस होने के लिए कह रहे थे, कौन सा बंदा कौन सी कोई औरत ये करेगी कि मेरे लिबास फाड़ दें, मेरा ये करते जिससे मैं फेमस हूँ? ये कोई बात नहीं, पकड़ वाली बात ही नहीं है ना, इसमें कौन सा आपको कुछ मिलता है, इसमें औरत की इज्जत नहीं मिलती। प्राइम मिनिस्टर को मैं ये कहना चाहूँगी कि लिबास का तो कोई ताल्लुक नहीं है दूर दराज से, अगर औरत जो भी पहना कुरान में सामने भी तो यही है कि इंसान तो मर्द में आएगा अगर वो गुनाह करे, अगर औरत का पर्दा ना करना गुनाह है वो उसका अपना गुनाह है, वो उसका अल्लाह के बीच में मामला है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद व्हाट अ मैन डज टू हर, अगर औरत ने कुर्ता पहना हुआ होता है फिर भी होता है, औरत ने छोटे कपड़े पहने होते हैं फिर भी होता है, छोटी होती बड़ी होती फिर भी होता है, कपड़ों का तो ताल्लुक नहीं है। औरत इंसान को छोड़ो जानवर के साथ भी हो रहे होते हैं तो कपड़ों का, अब मुझे समझ नहीं आती वेयर दिस केम फ्रॉम, अगर मर्दों का टाइम है तो उसको अलग रखिए या फैमिलीज का अलग रखिए ताकि हर वुमेन आर सेफ, वी नीड मोर सिक्योरिटी। अगर हम सब कुछ कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि मर्द किधर जाएगा, किस स्ट्रीट पर जाएगा, किस औरत को देखेगा, बट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इसके क्राइम रेट कम करने के लिए, लोगों को अकाउंटेबल होल्ड कर, तो ये 400 मर्द 400 को पकड़ के जेल में डालें ताकि नो वन थिंग्स ऑफ डूइंग दिस अगेन।